बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ड लेसन नंबर 12 के साथ मैं हूं अहमद रजा। ये चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल किस तरह ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमने इंसर्ट के अंदर गए थे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे टेबल पे नीचे एरो पे क्लिक किया था। यहाँ पे 3 मेथड के ज़रिए हमने टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। तो आज हमने मज़ीद इसके ऊपर देखना है कि टेबल के अंदर डिज़ाइन और लेआउट किस तरह चेंज होते हैं। तो चलते हैं जी। आपके सामने एक टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है ताकि टाइम सेव हो सके। तो ये देखें, हमारे पास एक टेबल इंसर्ट है। तो जैसे मैं टेबल के अंदर किसी जगह पे क्लिक करता हूँ, ये 2-3 चीज़ें आपकी स्क्रीन के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। जैसा कि ये देखें, ये आपका जो बना हुआ है सामने, इसके अंदर डॉट्स आ गए। ये डिफरेंट एरिया, ये वैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कोई इस वक्त डॉट नहीं है। रूलर के अंदर हमारे पास इस वक्त कोई डॉट नहीं। जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया, ये देखें ये इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं। दूसरा, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया, डिज़ाइन एंड लेआउट, टेबल टूल डिज़ाइन एंड लेआउट, ये 2 चीज़ें भी खुद बहुत आगे। जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, ये देखें खुद बहुत गायब हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। जैसे मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन एंड लेआउट दोनों हमारे पास आ जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम डिज़ाइन के अंदर, बेसिकली हमारा होता है कि जो हम डिज़ाइन होता है, जो हमारा टेबल है, इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इसके कलर्स होते हैं, वो किस तरह हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जबकि जो लेआउट की ऑप्शन होती है, लेआउट इसके अंदर कोई कॉलम या हम रो इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, उसको डिलीट किस तरह कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह लेआउट के अंदर पढ़ेंगे और डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम पहले डिज़ाइन की तरफ। जैसे मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, एक आपके सामने देखें विंडो ओपन हो गई है। इसमें मेन्यू बार ओपन हो गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। हम सब ऑप्शन इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने टेबल को सेलेक्ट किया। करने के बाद डिज़ाइन के अंदर ये देखें, ये सामने आपके काफ़ी सारे टेबल्स बने हुए हैं। जैसे इसके नीचे वाले एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास डिफरेंट ये देखें शेप्स हमारे पास आ रही हैं। जिस तरह का वो ये देखें कलर है, उसके साथ इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारा जो टेबल था उसी शेप के अंदर चेंज हो गया। ये देखें इसके अंदर शेप इसकी उसी तरह की हो गई है जो हम यहाँ पे शो हो रहा था। जो भी हम यहाँ पे चाहते हैं, जिस तरह का हम चाहते हैं जी अपना टेबल, वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि जी मैंने अपना टेबल जो था ये मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस मैंने वही टेबल लेके आना। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस टैब पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है टेबल गाइड के अंदर। ये प्लेन टेबल आपका, वो पहले वाला टेबल आपके पास आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया जी, यहाँ से जाके कोई कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है कि हम चाहते हैं कि हम मैनुअली अपना जो टेबल है उसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन चेंज करें। तो हमने क्या करना है, ये देखिए मैं ऊपर वाला जो बॉर्डर है, जो फर्स्ट वाला है हमारा टॉप पे जो उसका है, उसको हम टॉप वाला जो लाइन, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ पे शेडिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेडिंग। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। ये देखिए मैंने ये वाला कलर दिया, वो कलर आपके क्या हो गया, इस एरिया के अंदर आके येलो कलर का आपका वो टॉप वाला रो हो गई है। अब मैं नीचे वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर देना। दोबारा मैं जाऊँगा शेडिंग के अंदर, वहाँ पे जाके ये मैंने ये कलर दे दिए, तो आपका जो टेबल है उसी कलर के अंदर चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, तो मैं दोबारा इसको ख़त्म करने के लिए प्लेन टेबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपका टेबल दोबारा पहली वाली हालत के अंदर वापस आ गया है। इसके साथ हम डिफरेंट आपके कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था कि मोर कलर के अंदर जाके भी आप इसके कलर के जो है सेटिंग वो कर सकते हैं, कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके ऑप्शन के ज़रिए कलर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन होती है बॉर्डर, कि हमने अपने टेबल पर बॉर्डर लगाना है। वो बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं जी, वो भी सिंपल है। ये देखें, शेडिंग के बाद आ जाता है बॉर्डर का स्टाइल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ये देखें, ये लाइंस के कलर हैं, ब्लैक है, डिफरेंट कलर हैं। फिर थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, फिर लाइंस यहाँ पे क्या हो गया कि लाइंस भी उसने डबल कर दी। इस तरह मैं ये वाली लाइन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि लाइन सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ जाती है जी, लाइन का स्टाइल किस तरह का आप चाह रहे हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे। अभी फिलहाल वो सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट भी आपको करके दिखाता हूँ। फिर उसकी विड्थ है, वही जो लाइन थी उसकी भी उसने विड्थ दे दी है जी। आप ये साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं, ये साइज़ हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब वो पूछ रहा है कि बॉर्डर, अब बॉर्डर क्या हमने बॉटम पे लगाना है। ये देखें, बॉटम जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, अब मैं पूरा टेबल यहाँ से पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, बॉटम पे आ गया, टॉप पे आ गया, लेफ्ट साइड पे, इस तरह राइट साइड पे भी आ जाएगा। नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर, जैसे ऑल बॉर्डर पे करूँगा तो पूरे का पूरा हमारा जो टेबल उस पर वो बॉर्डर लग जाएगा। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम जस्ट आउटसाइड पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमने जस्ट आउटसाइड पर वो बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड पर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसको इनसाइड लगाना है तो वो इनसाइड आपका बॉर्डर आ जाएगा। ये डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे जैसे आप उस पर लेके आएंगे तो आपकी वो ऑप्शन के मुताबिक आपका टेबल होता जाएगा। उसके लिए आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, ये वाला मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये बॉर्डर का एक पॉइंटर होता है, ये देखें, बॉर्डर पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद हमने जिस लाइन पे चाहता हूँ मैं बॉर्डर लगाऊं उस पर मैं ड्रैग करूंगा। वो देखें, वो वाला जो स्टाइल मुझे पसंद था, जो मैं चाहता था वो बॉर्डर पे लग जाए, वो मैंने सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे लगाया और वहाँ पे बॉर्डर लग गया। जिस तरह का मैं स्टाइल चाहता हूँ वो मैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के कलर से बॉर्डर पे जाकर लगा सकता हूँ। यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं जी, ये देखिए। इसको कहते हैं हम जी अपनी मर्जी से जिस एरिया में चाहता हूँ मैं बॉर्डर का वो लगा सकता हूँ। मैनुअली बॉर्डर हम खुद भी लगा सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने पूरे टेबल पे पेन का निशान एस्केप करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि दोबारा अपनी असली फॉर्म पे ले आऊँ, तो इस पर क्लिक किया, हमारा जो बॉर्डर टेबल था वो दोबारा अपनी असली फॉर्म पर आ गया है। अब मैं आपको एक इसके अंदर शेडिंग भी दे के दिखाता हूँ और उसमें बॉर्डर भी लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कलर येलो कर दिया, ये सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पर कलर ये वाला लाइट कर दिया। अब मैंने बॉर्डर लगाना है, इस पर सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे मैंने जाके क्लिक करना है। बॉर्डर हमें चाहिए जी इसी शेप का चाहिए, इसका कलर हमने रखना है डार्क ब्लू। उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब उसकी विड्थ वो पूछ रहा है कितनी आपको चाहिए, हमें विड्थ इतनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो बॉर्डर हम चाह रहे हैं पूरे बॉर्डर को हमने इसी शेप के अंदर चेंज कर दिया। ये देखिएगा आपका बॉर्डर बन चुका है। जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा। अपनी मर्जी से आप अपना जो भी स्टाइल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी और ऑप्शन भी हैं, वो भी आपको मैं इसमें डिस्कस करता चलूँ साथ। ये देखिए, इसको मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपना एज इट इज़ अपनी फॉर्म पर ले आया। अब मैंने यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट किया, ये देखें इस साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे जी हेडर रो, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये देखें हेडर की उसने एक रो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी। ये तब आता है जब हमने यहाँ से बने बनाए टेबल सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आती है। इस पर अनक्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। नीचे आ जाता है टोटल रो, आपकी जो टोटल रो है वो देखें शो होना शुरू हो गई है आपको। बैंडेड रोज कौन कौन सी है देखें, ये बैंडेड रोज ये वाला कलर था ना, ये वाला लाइट थोड़ा डार्क, ये बहुत वहां से खत्म हो गया। फर्स्ट कॉलम है वो देखें ऑन ऑफ हो रहा है, लास्ट कॉलम है ऑन ऑफ हो रहा है, बैंडेड कॉलम्स हैं ये देखें। अपनी मर्जी से इनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि अपनी प्लेन फॉर्म में ले आऊँ, तो ये देखिए इस पर क्लियर, तो हमारा दोबारा बॉर्डर प्लेन फॉर्म पर आ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लेआउट के बारे में बताया जाएगा कि लेआउट की सेटिंग किस तरह करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।